नशो ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा मकसद आपको नहीं मिला जिससे आप खुश रह सकें, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपकी समस्या का समाधान लेकर आई है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन महिलाओं को शादी के बाद ससुराल में बिल्कुल भी प्यार, इज्जत, मान सम्मान नहीं मिला, जो दुखी और परेशान रहती हैं, किस तरह से अपने ससुराल में अपनी जगह बना सकती हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच अनबन होना एक आम बात है, लेकिन जब पति पत्नी की किसी भी बात को ना माने, अपने माता पिता की बातों को ही तवज्जो दे और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे, तो ऐसे में उस महिला का जीवन कैसा हो सकता है, हम समझ सकते हैं। दोस्तों, समय रहते ही कुछ उपाय टोटकों का कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है आपका पति आपके साथ लड़ाई झगड़े करता है, आपका पति आपकी किसी भी बात को नहीं सुनता, पति पत्नी में झगड़े रहते हैं, तो ऐसे में आप अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकती हैं? आप अपने पति का वशीकरण कर सकती हैं। पति वशीकरण के लिए आपको कुछ मंत्रों का प्रयोग करना होगा, कुछ उपाय टोटकों का प्रयोग करना होगा। आज इस वीडियो में जान सकते हैं पति के कपड़े से पति का वशीकरण कैसे करें। अगर आपका पति आपकी किसी बात को नहीं सुनता, आपका पति आपको धोखा दे रहा है, किसी और को पसंद करता है, या फिर आपका पति अपने घर वालों की बात मानता है, आपकी बात नहीं मानता, तो आपको क्या करना होगा। आपको आने वाले शनिवार की अर्धरात्रि को पति का कोई भी एक यूज किया हुआ पुराना रुमाल लेना होगा। उस रुमाल के चारों कोनों पर आपको एक एक लौंग को बांधना होगा। दोस्तों, इस कार्य को आने वाले शनिवार की अर्धरात्रि को एकांत कमरे में बैठकर करें, आपके पति को या घर के अन्य सदस्यों को पता ना चले। जैसे ही चारों कोनों पर आप एक एक लौंग को बांध दें, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस रुमाल के बीच में सिंदूर से ओम त्रिम क्लिम स्वाहा ये चार शब्द लिखने होंगे, ओम त्रिम क्लिम स्वाहा, और इस रुमाल को अच्छी तरह से फोल्ड कर अपने पति के कपड़ों में छुपा कर रख दें। इन चार शब्द का उच्चारण आपको दोस्तों 101 बार करते हुए पति को वश में करने की कामना करनी है। उसके बाद इसे सोते हुए पति के ऊपर से 7 बार उतार कर पति के कपड़ों में छुपा कर रख दे। बस एक बार आप ऐसा कर लीजिए, अगले दिन से ही आपको अपने पति में परिवर्तन नजर आने लगेगा। जो पति एक नहीं सुनता था, हर बात सुनने लगेगा, जो पति ना पसंद करता था पसंद करने लगेगा, और जो पति अपने माता पिता की सुनता था आपकी हर बात सुनने लगेगा। दोस्तों, हमारा मकसद आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आना है। किसी भी गलत भावना से हमारे उपाय टोटकों का प्रयोग आप कतई ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।